क्या हम इस बलून को बिना मुंह से हवा दिए फुला सकते हैं? देखिए साइंस का यूज करके ऐसा पॉसिबल, हम लोग इस बलून को बिना मुंह से हवा दिए भी फुला सकते हैं। यहाँ पे इस बर्तन मैंने गर्म पानी रखा है, अभी बॉटल को मैं सिंपली गर्म पानी में रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए बॉटल को गर्म पानी में रखने की वजह से बलून कुछ हद तक खुल चुका है। अब मैं वापस इसको ठंडे पानी में रख के देखता हूँ, इस बर्तन में मैंने ठंडा पानी रखा है, अब इस ठंडे पानी में डालने के बाद देखते क्या होता है। ठंडे पानी में रखने की वजह से बलून अपने वापस ओरिजिनल डायमेंशन में आ गया, जैसे इसमें पहले हवा नहीं थी, अब ये भी वापस से खाली हो चुका है। देखिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब मैंने बॉटल को गर्म पानी में रखा तो गर्म पानी में रखने से बॉटल के अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए बलून हमको फुलता हुआ दिखा। लेकिन जब मैंने उसको वापस से ठंडे पानी में रखा तो ठंडे पानी में रखने की वजह से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर वापस से डिक्रीज हो गया, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसके लिए बलून वापस अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ गया।